Hi children, we are going to continue the third lesson, page number 22. The last video we were explaining about a short story related to Mahatma Gandhi. Debu's mother was telling a story. And the balance part is here. Just listen the third paragraph of this चैप्टर पेज नंबर 22. अगले दिन शाम को 4:30 बजे गांधी जी सभा में जाने के लिए तैयार हो गए और आयोजक का इंतजार करने लगे. गांधी जी बार बार खड़ी देख रहे थे कि समय तो हो गया है, लेकिन आयोजक अभी तक आया क्यों नहीं. सभा शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे. अब बापू समय पर सभा में पहुंचने के लिए बेचैन होने लगे. तभी उन्हें एक तरकीब सूझी. उन्होंने आश्रम में रखी हुई साइकिल उठाई और उस पर सवार होकर सभा के लिए चल दिए. बापू सभा में ठीक 5 बजे पहुंच गए. वहां पर इंतजार करते लोगों से मिले. इधर आयोजक मोटर गाड़ी पर सवार होकर आश्रम पहुंचा, लेकिन उसे वहां गांधी जी नहीं मिले. आयोजक उदास होकर सभा स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां गांधी जी को भाषण देते हुए देखे. भाषण समाप्त होने पर आयोजक गांधी जी के पास पहुंचा और समय पर न पहुंचने के लिए उससे माफी मांगी. गांधी जी ने माफी देते हुए आयोजक को समझाया, समय बहुत कीमती होता है. जो इस कीमती समय का सदुपयोग करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है. उसी समय आयोजक ने तय किया कि वह हर काम समय पर ही किया करेगा. समझे देबू, ऐसे थे हमारे बापू. बापू अपना हर काम समय पर करते थे और लोगों को भी अपना काम सही समय पर करने की सीख देते थे. देबू, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो हर काम समय पर ही किया करो, मम्मी ने देबू को समझाते हुए कहा. दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट बुक, टेक ए पेंसिल, अंडरलाइन द वर्ड एंड द मेन, राइट द मीनिंग ऑन द टॉप. अंडर पैराग्राफ स्टार्टिंग लाइक दिस वे. अगले दिन शाम को 4:30 बजे गांधी जी सभा में जाने के लिए तैयार हो गए. And the last paragraph is so that Gandhiji was invited by a person for a meeting. He wrote the date and the time on his diary because he don't want to forget it. He want to go to the meeting on time. That was the reason behind it. So next day came. He was waiting for that organizer. He promised that he will come and take Gandhi to the meeting place. That day Gandhiji was waiting for this person. 4:30 baje Gandhiji sabha mein jane ke liye tayar ho gaye. He was ready. At 4:30 he was waiting for that person. Aur ayojak ka intezar karne lage. Intezar karna, to wait. Gandhiji bar bar ghadi dekh rahe the. Again and again he was checking his watch time. कि समय तो हो गया है. हाँ, समय तो हो गया है, time up. लेकिन आयोजक अभी तक आया क्यों नहीं. Why the organizer is still, he didn't reach. सभा शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं. Only 10 minutes more to start the meeting. अब बापू समय पर सभा में पहुंचने के लिए बेचैन हो गए. एक्चुअली गांधी वॉज रियली रेस्टलेस बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजर. ही वॉन्ट टू बी देयर ओन टाइम. दैट्स वाई ही वॉज रेस्टलेस. गांधी जी वॉज अ पंक्चुअल पर्सन. तभी उन्हें एक तरकीब सूझी. हाँ, यू कैन सी अ पोर्शन इज डार्केंड. सोचिए और बताइए. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. सोचिए और समझिए. फर्स्ट यू नीड टू थिंक. अब गांधी जी क्या करेंगे. गांधी जी व्हाट ही विल डू. व्हाट ही विल डू.
if that organizer didn't come on time, what Gandhiji will do? That is explained in the next paragraph, what he did actually. तभी उन्हें एक तरकीब सूझी. When he got an idea suddenly, उन्होंने आश्रम में रखी हुई साइकिल उठाई और उस पर सवार होकर सभा के लिए चल दिए. When he saw bicycle near the आश्रम, he took the cycle and he went to the meeting place. बापू सभा में ठीक 5 बजे पहुंच गए. He reached the meeting place on time. लेकिन उसे वहाँ पर इंतजार करते लोगों से मिले. मेनी पीपल वर गैदर्ड. ही मेट विद ऑल द पीपल दोज वर गैदर्ड देयर. और दिस साइड व्हाट हैपन, इधर आयोजक मोटर गाड़ी पर सवार होकर आश्रम पहुंचा. और ऑर्गेनाइजर अ कन्वीनियर, ही केम गांधीजी आश्रम टू पिक गांधीजी टू द meeting place. Then what happened? Gandhiji already went, right? And this person was searching Gandhi. Lekin usse wahan Gandhiji nahi mila. Gandhiji, where is Gandhiji? Gandhiji kahan gaye? Gandhiji sabha mein hai. Samay par pahunch gaya. Ayojak udas hokar sabha sthal par pahuncha to usne wahan Gandhiji ko bhashan dete huye dekha. After he was really worried, he came back to the meeting place to inform them, Gandhi, I didn't get Gandhiji. But when he reached the meeting place, what he saw? He saw Gandhiji was giving the speech to the, delivering speech to, in the meeting place. भाषण समाप्त होने पर आयोजक गांधी जी के पास पहुंचा और समय पर न पहुंचने के लिए उनसे माफी मांगी. Subhashan, after finishing that speech, that organizer came to meet Gandhi and he forgive me, I couldn't reach on time, kindly forgive me, he said. Gandhi ji ne maafi dete huye ayojak ko samjhaya. Gandhi ji forgive him and he make him understand that समय बहुत कीमती होता है. Time is very precious, that everybody knows, right? Time is very precious. जो इस कीमती समय का सदुपयोग करता है वह हमेशा आगे बढ़ते हैं. सदुपयोग करना means सही प्रयोग करना, to utilize correctly. If you, those who know to utilize the time properly, they will succeed in their life. वह हमेशा आगे बढ़ता है. उसी समय आयोजक ने तय किया कि वह हर काम समय पर ही किया करेगा. आफ्टर देन ही डिसाइडेड टू डू हिज ड्यूटीज ऑन टाइम. समझे देवू, हु इज टेलिंग समझे देवू? मम्मी. माँ वो माँ कहानी बता रही थी इसलिए उसने कहा समझे देबू. देबू ने कथ पर उड़कले. शी वॉज टेलिंग द स्टोरी. जैसे समझे देबू, यू अंडरस्टूड? ऐसे थे हमारे बापू. हमारे बापू एक ऐसे थे, समय को बहुत कीमती मानने वाला था. बापू अपना हर काम समय पर करते थे. सभी काम समय पर करता था गांधी जी. लोगों को भी अपना काम सही समय पर करने की सीख देते हैं. ही टीच अदर पीपल, ही एडवाइस अदर पीपल ऑल्सो टू यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली. देबू अगर तुम आगे बढ़ना चाहते, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ और यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, तो हर काम समय पर ही किया करो. एवरी ड्यूटीज यू मस्ट कंप्लीट ऑन टाइम. मम्मी ने देबू को समझाते हुए, मम्मी भी, शी ऑल्सो गिव द सेम एडवाइस जस्ट लाइक गांधी गिव अ मैसेज टू अदर्स. शी सेड, समय वो तो बहुत कीमती होती है. समय, द टाइम इज वेरी प्रेशियस, सो वी नीड टू यूटिलाइज द टाइम. हमें हर काम समय पर ही करना चाहिए. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड बी पंक्चुअल एंड वर्क ऑन टाइम. That is the moral of the story. There is some more new words are there. I will write it on the board. You just see them. Tarkib.
तरकीब आइडिया सदुपयोग 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 टू यूटिलाइज करेक्टली टू यूटिलाइज करेक्टली So you must read this chapter properly. I hope you understand the meaning of and how to pronounce the hard words. You can read Vachan or Shruti Lek is given here how to dictate speak these words properly. Chutti, Sankharsh, Sabarmati, Pranam, Kripa, Bechain, Motor Gadi, Sadupayog. These are the hard words. If you try to pronounce it repeatedly, you pronounce the word properly. Then some more questions and answers I will send you in the next video. Hope you enjoy the story. It's a very small story. Read twice. After then, if you have any doubt, we can clear it in the Google Meet. Okay, thank you.